सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। 10 मई को हुई सेना की कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक लश्करे तैयबा के आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की सेना घुसपैठ में लश्कर आतंकियों की मदद कर रही थी। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को भी झूठा ठहराया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय सेना का दावा पूरी तरह गलत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की कार्रवाई को सरकार ने सही ठहराया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शांति के लिए ऐसा कदम जरूरी है। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने पर विपक्ष ने भी सेना की तारीफ की है। हमारा प्रतिद्वंदी लोग जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स, इनका अप्रिशिएटिंग द गुड वर्क डन बाय आवर फोर्सेस, दे आर आस्किंग फॉर सबूत, हमको एविडेंस चाहिए। नाउ एविडेंस इज देयर, वेरी मच, लेट देम सी दैट एविडेंस आल्सो। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। हालांकि शिवसेना का कहना है कि उसे सेना से और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद थी। देखिए, मैं उसको करारा जवाब नहीं मानता हूँ। कार्रवाई जरूर है, करारा जवाब नहीं। कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधने की घटना पर मेजर नितिन लितुल गोगोई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मेजर गोगोई ने कहा कि उन्होंने पत्थरबाज को जीप से बांधने का आदेश स्थानीय लोगों की जान बचाने के लिए दिया। मेजर गोगोई के मुताबिक 9 अप्रैल को सैकड़ों पत्थरबाजों की भीड़ हिंसक हो गई थी। अगर वो भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर देते तो कई लोगों की जान चली जाती। सीज को काबू में रखा ताकि फायर ना खुले, फायर खुलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। मेजर गोगोई को हाल ही में सेना प्रमुख ने सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जेडीयू और सीपीआई ने भी मेजर गोगोई को सम्मान देने का विरोध किया है। जांच जो है वो पूरी हुई नहीं, और इसके पहले सरकार की तरफ से इस तरह का एक्ट होना ये कश्मीर समस्या को एग्रीवेट करेगा। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के हकरीपोरा गांव को घेरकर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रही है। घेरे गए इलाके से गोलियों की आवाज सुनाई दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हकरीपोरा गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि कश्मीर में लश्कर का चीफ अबू दुजाना सुरक्षा बलों के घेरे में फंस गया है। हालांकि पुलिस ने अबू दुजाना के घेरे में फंसे होने की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके के डाईसारा गांव में भी एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन वहां आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत की पैरवी करने वाले सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने मंगलवार को श्रीनगर में एक सेमिनार किया, जिसमें सिर्फ एक अलगाववादी नेता शामिल हुआ। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ हुर्रियत के मीर वाइज गुट के नेता जावेद मीर भी सेमिनार में मौजूद थे। पार्टी लाइन से अलग जाते हुए बीजेपी की हीना भट्ट भी बैठक में शामिल हुई। बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है। हुकूमत को इसी तरीके से सबको बुलाना चाहिए, सबसे बातचीत करनी चाहिए। बढ़ते सीमा पार आतंकवाद के बीच पाकिस्तानी नेताओं और अलगाववादियों को मंच देने पर सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस पहले भी विवादों में घिर चुका है। अप्रैल में दिल्ली में संगठन के कार्यक्रम में विवाद हुआ था। 31 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के लिए दिल्ली में मंगलवार को अहम बैठक हुई। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गृह सचिव राजीव महर्षि, खुफिया विभागों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की 279 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान शामिल होंगे। अब तक 152,000 श्रद्धालुओं ने पैदल दर्शन और 25,000 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो अरेंजमेंट की बात चली तो ऑल एस्पेक्ट्स वर डिस्कस्ड एंड दे वर डिस्कस्ड इन वेरी ग्रेट डिटेल। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी के पास मध्य प्रदेश के इंदौर से आए तीर्थयात्रियों से भरी बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 20 से 22 यात्रियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अब तक 7 शवों को निकाल लिया गया है।
बस में कुल 25 लोग सवार थे, जबकि साथ साथ चल रही दूसरी बस में इंदौर के ही 31 लोग सवार थे। हादसे के शिकार यात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मारे गए यात्री के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देंगे, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने मारे गए यात्री के परिवार को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। खाई गहरी होने के कारण राहत और बचाव दलों को मौके पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। असम में लापता हुए इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 लड़ाकू विमान का अब तक पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स के तेजपुर एयरबेस से 2 पायलटों ने सुखोई से मंगलवार को करीब सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी थी। ये ट्रेनिंग फ्लाइट थी, लेकिन करीब 11:30 बजे विमान का रडार से संपर्क टूट गया। उस वक्त विमान तेजपुर से 60 किलोमीटर उत्तर दिशा में गोहपुर के पास था। ये इलाका अरुणाचल सीमा के करीब है। पिछले 7 साल में 7 सुखोई दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इस साल 15 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में एक सुखोई क्रैश हुआ था। सीबीआई ने कोयला घोटाले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर मंगलवार को एक नई चार्जशीट दायर की है। ये चार्जशीट मध्य प्रदेश के उर्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक मामले में दाखिल की गई है। सीबीआई ने नवीन जिंदल के अलावा उनकी कंपनी जेएसपीएल और उससे जुड़े रहे 4 लोगों डी एन अब्रोल, विक्रांत गुजराल, आनंद गोयल और सुशील मारू को भी आरोपी बनाया है। सभी पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को समन जारी करके 4 सितंबर को पेश होने को कहा है।